गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गार्बेज कलेक्टर के बारे में। इस वीडियो में हम समझेंगे कि गार्बेज कलेक्टर क्या होता है, इसके कितने टाइप होते हैं और ये कैसे काम करता है। और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे जो इसके टाइप हैं, हमारे 5 to 6 टाइप्स, उनको हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि उन सब के अंदर क्या डिफरेंस है और कौन सा गार्बेज कलेक्टर हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे उसको इनेबल कर सकते हैं और कौन सी एप्लीकेशन के लिए कौन सा गार्बेज कलेक्टर यूज़ करना हमारा बेस्ट रहेगा। तो जैसे कि आप लोगों ने सुना ही है कि गार्बेज कलेक्टर, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गार्बेज कलेक्टर आया हीप से अनयूज्ड ऑब्जेक्ट्स निकाल। गार्बेज कलेक्टर का हमारा काम क्या होता है कि जितने भी अनयूज्ड ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे हीप मेमोरी में, उन्हें ऑटोमेटिकली कलेक्ट करना और उस मेमोरी को दोबारा अवेलेबल करना, दोबारा यूज करने के लिए। सबसे पहले हम बात करेंगे कि गार्बेज कलेक्शन होता क्या है। तो गार्बेज कलेक्शन हमारा JVM का एक मॉड्यूल है जिसे हम डीमन थ्रेड कहते हैं। अब ये डीमन थ्रेड क्या होते हैं, जो भी थ्रेड्स हमारे यूजर थ्रेड्स को सपोर्ट करने के लिए रन होते हैं। हमारे JVM में दो टाइप के थ्रेड्स रन होते हैं, यूजर थ्रेड्स एंड डीमन थ्रेड्स। तो यूजर थ्रेड्स जो कि हमारे मेन प्रोसेसिंग के लिए यूज होते हैं और उसको उन थ्रेड्स को सपोर्ट करने के लिए, यूजर थ्रेड को सपोर्ट करने के लिए हमारे बैकग्राउंड में रन होते हैं डीमन थ्रेड, एंड गार्बेज कलेक्टर भी हमारा एक डीमन थ्रेड है। और जैसे ही हमारे यूजर थ्रेड्स का काम खत्म हो जाता है, हम इन रिस्पेक्टिव ऑफ कि डीमन थ्रेड्स हमारे रन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हम JVM को शट डाउन कर देते हैं। तो जो डीमन थ्रेड हैं वो है हमारे लो प्रायोरिटी थ्रेड्स एंड यूजर थ्रेड्स हैं हमारे हाई प्रायोरिटी थ्रेड्स। तो ऐसे ही हमारा गार्बेज कलेक्टर एक लो प्रायोरिटी डीमन थ्रेड है, और जैसे ही JVM को रिक्वायरमेंट लगती है कि किसी यूजर थ्रेड को डीमन थ्रेड यानी कि गार्बेज कलेक्टर की जरूरत है, वो अपने हिसाब से गार्बेज कलेक्टर को रन कर देता है। अब बात आती है कि हमारा गार्बेज कलेक्टर वर्क कैसे करता है। तो जितने भी टाइप के हमारे गार्बेज कलेक्टर हैं, जैसे कि सीरियल गार्बेज कलेक्टर हो गया या पैरेलल गार्बेज कलेक्टर हो गया या फिर G1 हो गया, तो इन सब की जो बेसिक फंक्शनैलिटी वो 3 स्टेप्स में चलती है। सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा होता है मार्क का, जिसके अंदर हम सभी अनयूज्ड और अनरेफरेंस ऑब्जेक्ट्स को मार्क करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है स्वीप का, जिसके अंदर हमने जो ये अनयूज्ड ऑब्जेक्ट्स को मार्क किया था उन्हें हम स्वीप करते हैं यानी कि कलेक्ट कर लेते हैं रिसाइकलिंग के लिए। अब थर्ड स्टेप जो हमारा आता है वो है कंपैक्ट का। अब जो सेकंड स्टेप था स्वीप का, उसमें से जब हम अनरेफरेंस ऑब्जेक्ट्स निकाल लेंगे मेमोरी में से, तो मेमोरी हमारी फ्रेगमेंटेशन हो जाती है, मतलब उसके छोटे छोटे टुकड़े बंट जाते हैं। कोई पार्ट कहीं यूज़ हो रहा है मेमोरी का, कोई हमारा कहीं यूज हो रहा है। तो फिर इस जो कंपैक्ट स्टेप है उसके अंदर हम उस मेमोरी को कंटीजियस ब्लॉक्स में एलोकेट कर देते हैं ताकि एक बड़ा पोर्शन हमारा फर्दर यूज़ के लिए हमारे काम आ सके। तो ये हो गया हमारा कंपैक्ट स्टेप। अब हम बात करते हैं एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग, अगर हम डिवाइड करें तो हमारा गार्बेज कलेक्शन 2 टाइप का होता है, माइनर गार्बेज कलेक्शन और इंक्रीमेंटल गार्बेज कलेक्शन, या फिर सेकेंड टाइप में आता है मेजर गार्बेज कलेक्शन और फुल गार्बेज कलेक्शन। जो हमारा माइनर कलेक्शन है वो हमारा यूज़ होता है यंग जनरेशन को क्लीन करने के लिए। अभी यंग जनरेशन ओल्ड जनरेशन क्या होती है, वो हमने सारे अपने हीप के पार्ट्स को डिटेल में डिस्कस किया था अपनी पिछली वीडियोस में। तो अगर आपने हमारे इस सीरीज़ के, मेमोरी मैनेजमेंट सीरीज़ के पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाकर उन्हें देख लो ताकि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएं। तो अब हम बात करेंगे कि हमारा जो टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग हमारे 2 टाइप के कलेक्शंस हैं, माइनर और मेजर। माइनर कलेक्शन में हम यंग जनरेशन को क्लीन करते हैं। अभी यंग जनरेशन के अंदर हमारे 3 टाइप्स आते हैं हीप मेमोरी के। फर्स्ट आता है हमारा इडन स्पेस, देन हमारे पास आते हैं सर्वाइवर 1 एंड सर्वाइवर 2। S0 और S1 से हम इन्हें डिनोट करते हैं। इसके साथ ही हम इन्हें सर्वाइवर 2 एंड सर्वाइवर फ्रॉम के नाम से भी डिनोट कर सकते हैं। तो हमारा होता क्या है, जितने भी हमारे नए ऑब्जेक्ट्स हैं वो सभी हमारे कहाँ क्रिएट होते हैं, इडन स्पेस में। और जैसे ही हमारा इडन स्पेस फुल हो जाता है, हमारा एक माइनर गार्बेज कलेक्शन रन होता है जो कि
एडन स्पेस में से अनयूज्ड ऑब्जेक्ट्स को मार्क एंड स्वीप करता है। उसके बाद जो यूज्ड ऑब्जेक्ट्स रहते हैं जो कि अभी भी यूज हो रहे हैं वो सभी को हम कम्पैक्ट स्टेप के अंदर मूव कर देते हैं सर्वाइवर स्पेस में और ईडन हमारा खाली हो जाएगा पूरा। ईडन स्पेस फिर से भरने लगेगा। अब क्या होगा कि जो हमने सर्वाइवर वन में पहले डाला है जितना भी डेटा वो सब प्लस जो ईडन स्पेस में ऑब्जेक्ट्स बच जाएंगे वो सब जाएंगे सर्वाइवर जीरो में। तो यानी कि जो ये दोनों सर्वाइवर स्पेस है ना इनसे टू एंड फ्रॉम हमारा डेटा मूव होता रहता है जब तक ये पूरा ना भर जाए। उसके बाद जब एक हमारा ये पूरा भर जाएगा सर्वाइवर स्पेस एक फुल हो जाएगा और ईडन फुल हो जाएगा तो एक मेजर गार्बेज कलेक्शन रन होगा जो कि इन सभी ऑब्जेक्ट्स को जो कि सर्वाइवर स्पेस में पड़े हैं प्लस ईडन स्पेस में पड़े हैं उन सबको उठाकर परमानेंट जनरेशन या फिर ओल्ड जनरेशन में मूव कर देगा हमारा, जिसे हम मेजर गार्बेज कलेक्शन कहते हैं। और जो हमारे पहले से ओल्ड जनरेशन में कुछ ऑब्जेक्ट्स पड़े होंगे उन्हें भी क्लीन अप कर देगा। तो ये तो हो गया हमारे गार्बेज कलेक्शन के टाइप बेस्ड ऑन एक्टिविटी। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि वेज फॉर रिक्वेस्टिंग JVM टू रन गार्बेज कलेक्शन। तो अगर हमें वैसे तो गार्बेज कलेक्शन एक डीमन थ्रेड है जो कि खुद से JVM रन करेगा, लेकिन अगर हम किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर प्रोग्राम के थ्रू रन कराना चाहते हैं तो उसके हमारे पास दो वे हैं। या तो हम system.jc फंक्शन यूज कर सकते हैं या फिर हम अपना runtime.jc फंक्शन यूज कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों मेथड भी कोई गारंटी नहीं देते गार्बेज कलेक्शन के रन होने के। ये जस्ट हम एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं अपने JVM को। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो भी हमारे गार्बेज कलेक्शन के टाइप्स हैं यानी कि सीरियल, पैरेलल, G1 हमारा हो गया, तो ये सब हमारे किस क्राइटेरिया के बेस पर हमें चूज करने चाहिए। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि कौन से क्राइटेरिया है जिसके बेस पे हमें अपने गार्बेज कलेक्शन को यूज करना चाहिए, चूज करना चाहिए। तो सबसे पहले क्राइटेरिया हमारा आता है थ्रूपुट का। थ्रूपुट हमारी क्या होती है कि परसेंटेज ऑफ टोटल टाइम स्पेंट इन यूजफुल एप्लीकेशन एक्टिविटी वर्सेस मेमोरी एलोकेशन एंड गार्बेज कलेक्शन। तो यानी कि अगर किसी एप्लीकेशन की 95% थ्रूपुट है, इसका मतलब है कि 95% टाइम ये एप्लीकेशन अपना काम कर रही है, प्रोसेसिंग कर रही है, एंड 5% टाइम जो है वो गार्बेज कलेक्शन में यूज हो रहा है। तो ये कौन सी एप्लीकेशन होती है जहाँ पर बल्क में डेटा प्रोसेसिंग हो रही है? फॉर एग्जांपल कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कोई एप्लीकेशन कर रही है जो कि मिलियंस ऑफ डेटा प्रोसेस करती है डेली, और जो कि ना एक बैकग्राउंड प्रोसेस है जिसका यूजर रिस्पॉन्स से कोई लेना देना नहीं है, जिसने बैकग्राउंड में अपना बल्क में ऑपरेशन परफॉर्म करना है। उसके बाद जो सेकेंड क्राइटेरिया आता है हमारा वो आता है लेटेंसी का। लेटेंसी हमारी क्या होती है? एप्लीकेशन रिस्पॉन्सिवनेस विच इज अफेक्टेड बाय गार्बेज कलेक्शन पॉजेज। अब जब भी हमारा गार्बेज कलेक्शन रन होता है ना वो एप्लीकेशन को हमारा पॉज करता है एक टाइम के लिए ताकि नए ऑब्जेक्ट ना क्रिएट हो और जो कि ओल्ड ऑब्जेक्ट्स हैं वो उस टाइम पे जब गार्बेज कलेक्शन रन कर रहा है उस टाइम पे वो अनयूज्ड ना बन जाए। तो एक बार के लिए गार्बेज कलेक्शन हमारा एप्लीकेशन को पॉज कर देता है। तो ऐसी एप्लीकेशंस जहाँ पर यूजर को जल्द से जल्द रिस्पॉन्स चाहिए वहाँ पर हमें लो लेटेंसी चाहिए, यानी कि एप्लीकेशन की जो रिस्पॉन्सिवनेस है वो हमारी ज़्यादा डिले नहीं होनी चाहिए, मतलब उसे हम ज़्यादा टाइम पॉज नहीं कर सकते। उसके बाद थर्ड क्राइटेरिया हमारा आता है फुटप्रिंट का, जो कि है वर्किंग सेट ऑफ अ प्रोसेस मेजर्ड इन पेजेस एंड कैशे लाइंस, यानी कि उसे कितनी मेमोरी चाहिए रन होने के लिए। उस पर भी हमारा थोड़ा गार्बेज कलेक्टर का जो टाइप हमें यूज़ करना चाहिए वो डिपेंड करता है। तो अब हम बात करते हैं कि कितने टाइप के हमारे गार्बेज कलेक्टर होते हैं। तो गार्बेज कलेक्टर के मेनली हमारे पास 5 से 6 टाइप हैं। सबसे पहला हमारे पास टाइप आता है सीरियल कलेक्टर, उसके बाद हमारे पास आता है पैरेलल, देन आता है गार्बेज फर्स्ट, देन हमारे पास है जेड कलेक्टर, एंड देन हमारे पास है कंकरेंट मार्क स्वीप कलेक्टर, जिसे कि हम CMS कलेक्टर भी बोलते हैं लेकिन ये अब डेप्रिकेट हो चुका है हमारा। उसके बाद हमारे पास आता है शेनेंडो कलेक्टर। तो अभी इस वीडियो के सेकेंड पार्ट में हम ये सभी कलेक्टर्स की थोड़ी सी डिटेल में समझने वाले हैं कि किस टाइप के एप्लीकेशन के लिए कौन सा कलेक्टर हमें यूज़ करना चाहिए, कैसे हम दिस पर्टिकुलर कलेक्टर को इनेबल कर सकते हैं और
कौन से फैक्टर्स हमें कंसीडर करने चाहिए कि कौन सा कनेक्टर हमें कलेक्टर हमें यूज़ करना है। तो गाइज, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें सजेस्ट करें कि इसके बाद हमें कौन सी सीरीज शुरू करनी चाहिए। हमारे पास दो आइडिया है, या तो हम सीरीज शुरू करें डिज़ाइन पैटर्न के ऊपर, या फिर हम शुरू करें जो जावा के हमारे वर्जन्स अपडेट्स आए हैं कि कौन से वर्जन में कौन सी अपडेट आई थी और क्या उसके फीचर्स थे। ये हम वर्जन 1 से लेके वर्जन 21 तक एक सीरीज़ निकालना चाहते हैं, तो पहले हम कौन सी सीरीज़ लेके आए प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें। बहुत जल्द मिलेंगे इस वीडियो के सेकेंड पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।